वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप पाकिस्तानी अदाकार नैयर एजाज की फिल्मों के बारे में जान पाएंगे, इनकी फिल्म लिस्ट के बारे में जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, के नैयर एजाज जो की पाकिस्तान के मशहूर अदाकार है और इन्होंने ज्यादातर एज ए विलन रोल अदा किए हैं। इनके अगर फेमस रोल्स की बात की जाए तो इनके जो मोस्ट फेमस रोल हैं वो पाकिस्तानी ड्रामा धुआं, जो कि 90s में ऑन एयर किया गया था। इसमें एज ए सलमान एक विलन का किरदार अदा किया, जो कि इनके फेमस होने की वजह बना और आज भी लोग इनके इस किरदार को याद करते हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज जो है वो 1990 में किया। इनकी पहली मूवी 1997 में चांद ग्रहण, 1999 में मुझे जीने दो, 2001 में मूसा खान, 2003 में लाज, 2008 में जिले शाह जिसमें इन्होंने मुराद शाह का किरदार अदा किया, 2011 में बाई लोग, 2012 में सल्तनत, 2014 में इनकी जो मूवीज है वो है द सिस्टम, नामालूम अफराद, मोर, और 2015 में इन्होंने रॉन्ग नंबर फिल्म में किरदार अदा किया और 2015 में ही सवाल 700 करोड़ डॉलर का, सैल्यूट, जिंदगी कितनी हसीन है फिल्म जानन, और 2016 में एक्टर इन लॉ, टीम, रहम, साया खुदाए जुल जलाल, मेहरोनिसा, वी लव यू, 2017 में ये सारी तीन फिल्म्स जो कि मेहरोनिसा और नामालूम अफराद 2 और जियो सर उठा के, 2018 में इनकी फिल्म मान जाओ ना, तीफा इन ट्रबल, बाजी, 2019 में द लेजेंड ऑफ मौला जट और जरार जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरी बताई गई मूवी लिस्ट में कोई कमी रह गई है, इनकी मूवीज के बारे में आप जानते हैं, तो प्लीज कॉमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।